नेक्स्ट थ्योरम 1.4 पे आते हैं। हमने प्रूव करना है कि रूट टू इज इरेशनल, रूट टू एक इरेशनल नंबर है, ये हमने प्रूव करना है। एग्जाम में अगर आपके पास ये वाला क्वेश्चन आएगा ना तो आगे दो वर्ड्स और लग जाएंगे। क्वेश्चन ऐसे आएगा, प्रूव दैट रूट टू इज इरेशनल। चलो सॉल्यूशन के ऊपर आते हैं। हमने प्रूव तो करना था कि रूट टू एक इरेशनल नंबर है, लेकिन अपने आंसर के अंदर ना हम स्टार्टिंग के अंदर एकदम इसका उल्टा मान लेंगे। हम बोलेंगे रूट टू और इरेशनल हो ही नहीं सकता। जो रूट टू है वो तो हम जानते हैं उसको, वो तो बहुत अच्छा बच्चा है, वो तो एक रैशनल नंबर है। हमने प्रूव करना है इरेशनल, लेकिन अपने आंसर की स्टार्टिंग के अंदर हमने एकदम इसका उल्टा मान लिया। आप ऐसे लिखोगे, लेट अस एज्यूम दैट रूट टू इज रैशनल। अब जितने भी रैशनल नंबर्स होते हैं उनको तो पी बाय क्यू की फॉर्म में लिख सकते होते हैं, तो अगर रूट टू भी एक रैशनल नंबर है तो इसको भी फिर हम पी बाय क्यू की फॉर्म के अंदर लिख सकते होंगे। तो नेक्स्ट लाइन में आप ये लिखोगे, सो इट कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। तो रूट टू को हम पी बाय क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। साथ में ये लिखना जरूरी होता है, वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। जो डिनोमिनेटर है ना क्यू, डिनोमिनेटर में कभी भी जीरो नहीं आ सकता, बिकॉज जीरो डिविजन बाय जीरो इज नॉट अ डिफाइंड मैथमेटिकल ऑपरेशन। किसी भी नंबर की जीरो के साथ डिविजन की ही नहीं जा सकती होती है। और ये भी लिखना जरूरी है कि P एंड Q आर को प्राइम इंटीजर्स। जो P और Q है ना वो को प्राइम नंबर्स हैं, को प्राइम इंटीजर्स हैं। को प्राइम आपको पता है क्या होता है? जो ऐसे नंबर्स होते हैं ना जिनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता, उन्हें बोलते हैं को प्राइम। 8/10 ये को प्राइम नहीं है, क्योंकि इनके बीच में तो कॉमन फैक्टर है। 2 से ये दोनों नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं, 2 कॉमन फैक्टर है इनके बीच में। देखो 2 से इसको डिवाइड करेंगे 4 आ जाएगा, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। 4 अप और 5 ये को प्राइम है, क्योंकि ये लोएस्ट फॉर्म में है। ये दोनों नंबर्स अब और ज़्यादा डिवाइड नहीं हो रहे हैं। क्लियर हुआ? तो को प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो लोएस्ट फॉर्म के अंदर होते हैं, जिनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता, जो और ज़्यादा डिवाइड नहीं होते होते। तो रूट टू को हमने रैशनल नंबर माना था, रैशनल नंबर्स को पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो हमने भी रूट टू को पी अपॉन क्यू इस फॉर्म के अंदर लिख दिया। रूट टू इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू। यहां तक आपको क्लियर हो गया? तो लास्ट स्टेप में हम यहां तक पहुंच गए थे, रूट टू इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू। अब इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं। पहले तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो बन गया रूट टू क्यू इज इक्वल टू पी। यहां तक क्लियर? उसके बाद स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, स्क्वेयर करने की वजह से रूट हट गया, सिर्फ टू बचा। क्यू का स्क्वेयर क्यू स्क्वेयर और पी का स्क्वेयर पी स्क्वेयर। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। यहां तक आप पहुंच जाओगे। अब इक्वेशन नंबर 1 को एनालाइज करने के बाद हम ये बोल सकते हैं कि 2 डिवाइड्स पी स्क्वेयर। ये वाला जो 2 है ये पी स्क्वेयर को डिवाइड कर देता है। अब ये कैसे बोल सकते हैं? इक्वेशन नंबर 1 को जरा आप ध्यान से देखो, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। यहाँ पे तो आगे प्लस कुछ है ही नहीं, मतलब प्लस 0 है। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर 0 है, इसका मतलब कंप्लीट डिवीजन हो रही है। मतलब ये जो हमारा डिवाइजर है ये पी स्क्वायर को पूरे तरीके से डिवाइड कर देगा, कंप्लीटली डिवाइड करेगा। क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 इस फॉर्म के अंदर है ना, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर, जो 2 है वो इस पी स्क्वायर को पूरे तरह से डिवाइड कर देता है। अगर 2 पी स्क्वायर को डिवाइड कर देता है तो 2 पी को भी जरूर डिवाइड करेगा। इसका रीजन है बाय थ्योरम 1.3। थ्योरम 1.3 भी मैं आपको अलग से एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर 2 पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 पी को भी जरूर डिवाइड करेगा। ये जो नंबर 2 है ना, ये पी का भी फैक्टर फिर होगा ही होगा। यहां तक क्लियर हो आपको? अब 2 अगर पी को डिवाइड करता है तो फिर हम बोल सकते हैं कि पी इज इक्वल टू 2c। अब ये कैसे बोल सकते हैं उसे समझो। ये बताना ऊपर ये क्या लिखा हुआ है, 2 डिवाइड्स पी, मतलब 2 पी को डिवाइड कर देता है ना। तो चलो करते हैं, ये हमने पी को बीच में रखा और यहाँ पे डिवाइड किया। तो जब आप डिवीजन करोगे, डिवीजन करने के बाद कंप्लीट डिवीजन होगी तो रिमाइंडर 0 आएगा, तो ऊपर कुछ ना कुछ कोशेंट तो आएगा ना। तो कोशेंट को हम सी मान लेते हैं। आप एक्स भी मान सकते हो, वाई भी मान सकते हो, जेड भी मान सकते हो। भी हमारी बुक में सी माना हुआ था तो हमने भी फिर कोशेंट को सी मान लिया। तो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय कोशेंट।
प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर तो जीरो है तो उसे लिखने की जरूरत ही नहीं, तो डिविकेंट इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय कोशेंट, तो यहाँ से बना पी इज इक्वल टू टू सी, ये डिविकेंट है, ये डिवाइजर है, ये कोशेंट है, आगे प्लस रिमाइंडर, प्लस जीरो को लिखने की जरूरत ही नहीं होती है, समझ आ गया। तो टू डिवाइड्स पी से पी इज इक्वल टू टू सी कैसे बन गया, यहां तक आपको क्लियर हो गया ना। आगे चलें, इरेज कर दें इसको। तो लास्ट स्टेप के अंदर हम यहां तक पहुंच गए थे ना, पी इज इक्वल टू टू सी, बस अब ये जो पी की वैल्यू आई है ना इक्वेशन नंबर वन में, पी की जगह पे आप ये पी की वैल्यू पुट कर दो, आप ऐसे लिखोगे पुट पी इज इक्वल टू टू सी इन इक्वेशन नंबर वन। ये देखो इक्वेशन नंबर वन ये है ना हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड पे टू क्यू स्क्वायर, उसको ऐसे लिखा टू क्यू स्क्वायर, पी की जगह पे ये पी की वैल्यू पुट कर दिया टू सी, तो पी की जगह पे टू सी पुट कर दिया, ऊपर स्क्वायर है तो हमने भी स्क्वायर लगा दिया, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखो ये टू सी का स्क्वायर करेंगे तो वो फोर सी स्क्वायर बन जाता है, अब डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय टू, दोनों तरफ टू से डिवाइड कर रहे हैं तो ये टू हट जाएगा, और ये फोर को टू से डिवाइड करेंगे तो टू बचेगा। अब ये वाली जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को एनालाइज करके हम बोल सकते हैं कि टू डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, ये वाला जो टू है ये क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर देता है, कैसे बोल सकते हैं, ये देखो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, प्लस कुछ है नहीं मतलब प्लस जीरो है, रिमाइंडर जीरो है मतलब कंप्लीट डिविजन होती है, तो ये जो टू है ये क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर देता है, क्लियर हो गया ना। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ये इस फॉर्म के अंदर आ गया ना इक्वेशन, इसलिए यहां से हम बोल सकते हैं कि टू डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, ये क्लियर हो गया, टू डिवाइड्स क्यू स्क्वायर। अब अगर टू क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर देता है तो इसका मतलब है कि ये क्यू को भी डिवाइड करेगा, इसका रीजन है बाय थ्योरम 1.3, ये थ्योरम 1.3 में आपको अलग से एक्सप्लेन कर दूंगा। टू अगर क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो जो टू है वो क्यू को भी डिवाइड करेगा। अब बन गई बात, ये देखो ये क्या लिखा हुआ है, टू डिवाइड्स पी, और यहां पे क्या लिखा हुआ है, टू डिवाइड्स क्यू, मतलब ये वाला जो नंबर टू है ये दोनों को डिवाइड कर देता है, पी को भी डिवाइड कर देता है और क्यू को भी डिवाइड कर देता है, इसका मतलब जो टू है वो पी और क्यू के बीच का कॉमन फैक्टर है। यहां पे प्रॉब्लम हुई है, पी और क्यू के बीच में कॉमन फैक्टर आ गया, लेकिन हमने तो स्टार्टिंग में माना था कि पी और क्यू को प्राइम नंबर्स हैं, को प्राइम नंबर्स के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता, लेकिन यहां पे तो कॉमन फैक्टर आ रहा है, तो इसका मतलब हमारी जो एजम्पशन थी वो गलत हो गई है। हमने स्टार्टिंग में जो एजम्पशन करी थी ना कि रूट टू एक रैशनल नंबर है, वो एजम्पशन हमारी गलत हुई है, उसी की वजह से तो ये इनकंसिस्टेंसी पैदा हुई है, तो इसका मतलब रूट टू इज इरैशनल नंबर। तो यहां पे पहुंचने के बाद ना लास्ट में आप ऐसे लिखोगे, तो लास्ट में आप ऐसे लिखोगे पी एंड क्यू आर नॉट को प्राइम, पी और क्यू को प्राइम इंटीजर्स नहीं है क्योंकि इनके बीच में तो कॉमन फैक्टर है, जो टू है वो पी को भी डिवाइड कर देता है, जो टू है वो क्यू को भी डिवाइड कर देता है, इसका मतलब ये वाला जो नंबर टू है ये पी और क्यू के बीच में कॉमन फैक्टर है, तो इसका मतलब पी और क्यू को प्राइम नंबर्स, को प्राइम इंटीजर्स नहीं है। दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आर इनकरेक्ट एजम्पशन, ये जो इनकंसिस्टेंसी है, ये जो मैथमेटिकल इनएक्यूरेसी या इनकंसिस्टेंसी या कॉन्ट्राडिक्शन है, ये इसलिए पैदा हुई है क्योंकि स्टार्टिंग में जो हमने एजम्पशन करी थी ना वो ही गलत थी, हमारी एजम्पशन इनकरेक्ट थी, हमने मान लिया था कि रूट टू एक रैशनल नंबर है, ये वाली हमारी एजम्पशन गलत थी, तो यहाँ से ये साबित होता है कि रूट टू इज इरैशनल, सो वी कंक्लूड दैट रूट टू इज इरैशनल, हेंस प्रूव्ड। इस तरह से आप लिख के आओगे ना तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे।